नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। नीतीश कुमार सत्ता के मद में चूर हैं, किसी की बात नहीं सुनते, यहां तो अपराधियों का राज है। नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं जो खुद के लिए है। उक्त बातें लोजपा के राष्ट्रीय महासचिव सह पूर्व मंत्री डॉक्टर सत्यानंद शर्मा ने कही। मौका था भाजपा के चिनारी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सह पूर्व भाजपा के जिलाध्यक्ष शक्ति कुमार शोला का 22वां श्रद्धांजलि सभा। मौके पर पिनार गांव में शक्ति कुमार शोला के मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। माल्यार्पण के बाद जखनी गांव में स्थित वृद्धा आश्रम में जनसभा को संबोधित किए लोजपा के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व मंत्री सत्यानंद शर्मा द्वारा आगे कहा कि पुलिस बल पर हमले हो रहे हैं, अभी वर्तमान में जहरीली शराब से लोग रोज मर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार कुछ सुनने को तैयार नहीं है। सत्ता मद में चूर हैं, पुलिस बल पर हमले हो रहे हैं। शक्ति कुमार शोला के बारे में कहा कि उस समय भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार का सरकार था, भाजपा गिने चुने जगह पर थी, जनता के बीच भाजपा लोगों के लिए संघर्ष कर रहे थे। उस वक्त शक्ति कुमार शोला ने दिखाया कि भाजपा में भी जीतने की क्षमता है, इनमें कुछ भी कर दिखाने की क्षमता थी। नीतीश कुमार जी सत्ता के मद में बौराए हुए, उन पर मुख्यमंत्री का जो एक होता है कि हम सत्तासीन हैं, तो मुख्यमंत्री का ताज चढ़ा हुआ है, इसलिए उनको बिहार में कुछ दिख नहीं रहा। बिहार में जहां शराब से सैकड़ों लोग मरे हैं, अभी छपरा में, गोपालगंज में, बेगूसराय में, नालंदा में, गया में, सब जगह लोग शराब से मर रहे हैं, जहरीली शराब से। और यदि शराब बंदी है तो शराब की होम डिलीवरी हो रहा है, ये नहीं दिख रहा है नीतीश कुमार ने। ये नीतीश कुमार का राजपाट नहीं चल रहा है, यहाँ तो माफियों का राज है, अपराधियों का राज है, बालू माफिया, शराब माफिया। आपको हैरत होगी कि 1 जनवरी से लेकर के इस 1 जनवरी तक में 1384 बार पुलिस बल पर हमला हुआ है, पुलिस बल पर हमला। कहाँ सरकार, कहीं सरकार नाम की चीज नहीं है। सरकार पूरी तरह से नीतीश कुमार पूरी तरह से विफल हो गए, इनको इस्तीफा करना चाहिए। वैसे भी ये मुख्यमंत्री बने रहने के लिए अभी पद यात्रा पर निकले हैं, यात्रा कर रहे हैं, समाधान यात्रा। पहले तो समाधान करें ना, अभी चौसा जाएं, समाधान करें। जहां किसानों का आंदोलन चल रहा है, उनके बीवी बाल बच्चों को पीटा गया है, पुलिस की गाड़ियां जलाई गई है, नियम कानून है नहीं बिहार में, और चले हैं समाधान यात्रा कर। देखिए, आज हम लोग जिस महापुरुष का पुण्यतिथि मना रहे हैं, मामूली लोग नहीं थे, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए निरंतर संघर्ष करने वाले लोग, आज हम यही कहेंगे कि आज भी सभी लोगों को गरीबों के लिए, वंचितों के लिए काम करना चाहिए, उससे उनका इतिहास भी बनेगा और भविष्य भी बनेगा। वी टाइम न्यूज़ के लिए नोखा से मंटू कुमार की रिपोर्ट।